नारायणगढ़ में लगातार मिल रहे कोरोना मरीजों के चलते शहर में बनाए गए कंटेनमेंट एरिया में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की मोबाइल टीम ने डॉक्टर नीतीश कुमार के नेतृत्व में घर घर जाकर सर्वे करना शुरू कर दिया है। विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हासिल की जा रही है कि किसी को कोरोना से संबंधित कोई लक्षण तो नहीं है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी हमारे पास 3 से 4 दिन पहले एक युवक यहाँ पे जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जिसे सेम डे ही हमने यहाँ से अम्बाला मिशन हॉस्पिटल में से शिफ्ट कर दिया गया था, जिसकी स्थिति में काफ़ी सुधार भी हो रहा है और आने वाले 28 दिन तक जो है ये सर्वे कॉन्टिन्यूटी में रहेगा जहाँ जहाँ पर कंटोनमेंट जोन बनाया जाता है। और सभी व्यक्तियों को हिदायत दी जाती है कि जब भी मोबाइल टीम डोर टू डोर सर्वे करेगी तो वो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सटीक जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई संभावित लक्षण पाए जाते हैं तो हम उसे जल्द से जल्द डिटेक्ट करके उसकी पहचान करके उसका इलाज कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास शहर में टोटल जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या 6 पहुंच गई है, जिसमें एक व्यक्ति पहले ही जो टिफिन सर्विस का काम करता था उसका पूरा परिवार और एक उसके रिश्तेदार और एक अन्य युवक जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उन्हें मिलाकर हमारे पास टोटल 6 मरीज हो गए हैं और 6 के 6 जो हैं अम्बाला उन्हें 2 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया है और उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा जो शहर है वो कोरोना मुक्त हो जाएगा।